हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या, कैसे आप सब लोग? तो मई 24 के लिए इस वक्त आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सीए अंडर ऑडिट में हमारे पास में एक बहुत ज़बरदस्त वाला चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर 3, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। तो आज हम इस चैप्टर के शॉर्ट रिविजन के ऊपर बात करने वाले हैं, बढ़िया सा एक रिविजन इसके ऊपर लगाते हैं। इसका पार्ट ए आज आप लोगों के साथ में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, पार्ट ए जो है जिसमें मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें एक पार्ट आप लोगों का है ऑडिट रिस्क का। अब ऑडिट रिस्क का जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाले हैं कुछ हमारे फॉर्मूलाज, है ना। तो कहीं पे इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन ऑडिटर नहीं दे दे, ठीक है, इस रिस्क को हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। और इसका सीधा फॉर्मूला काम कर सकता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इसको मल्टीप्लाई करना है हमको डिडक्शन रिस्क से, ठीक है। अब आगे अगर बढ़े कि भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, पूरे ऑडिट में हम इसको बहुत बार पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली IR into CR, यानी इनहेरेंट रिस्क को अगर कंट्रोल रिस्क से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारी निकल करके आएगी ROMMS। तो मतलब यहां तक पहुंचने के लिए कहानी बेसिकली शुरू होती है इनहेरेंट रिस्क से, यार ऐसी कौन सी रिस्क है जो इनहेरेंट है, जो इनबिल्ट है। तो हमने वर्डी इसके अंदर जो कीवर्ड यूज किया वो है ससेप्टेबिलिटी, यानी सेंसिटिविटी। जो हमारे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है या जो अकाउंट बैलेंसेज हैं, जो डिस्क्लोजर है, उनका नेचर ही ऐसा है जो सेंसिबल है, जहां फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, उसको हम बोलेंगे इनहेरेंट रिस्क, है ना। अगर हम सोचे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हो ही नहीं, जैसे अगर किसी, ये हैंडलूम का एग्जाम्पल मैंने लेके रखा हुआ है, अगर कहीं पे बल्क क्वांटिटी के अंदर हैंडलूम का सामान बिक रहा है और अगर हम एक मिनट के लिए मान लें कि इंटरनल कंट्रोल नहीं हो, तो फ्रॉड के चांसेस कितने बढ़ेंगे। यानी ट्रांजेक्शन का नेचर, कैश का ट्रांजेक्शन हो गया, स्टॉक हो गया, इनका नेचर ही ऐसा है कि वहां इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा होगी। अब अगर इस इनहेरेंट रिस्क को कंट्रोल रिस्क के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये निकल करके आ जाएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ये क्या है, हर एंटिटी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करती है। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अप्लाई करने के बाद भी अगर टाइमली बेसिस पे हम फ्रॉड को प्रिवेंट, डिटेक्ट या करेक्ट, मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, हमारा काम नहीं है, आप जानते हैं मैनेजमेंट का काम है, उसको हम यहां पे बोलेंगे कंट्रोल रिस्क, ठीक है। बढ़िया, जैसे एक एग्जाम्पल अपन ने यहां पे लिया, बढ़िया इंटरनल कंट्रोल हमने लगाया, हमने अपने कैश और चेक के लिए अलग से ये प्रोविजन बना रखा है कि पर्टिकुलर सेफ में रहेगा, एक लॉकर में रहेगा, और उसका एक्सेस सबके पास नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास में उसका एक्सेस होने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई हमारे लिए, बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने के बाद भी फॉलो नहीं हो रहा है, वहां तक कैश या चेक तक हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल हमारा वीक हो गया और वहां हमारी कंट्रोल रिस्क बढ़ गई। तो जैसे ही इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क मिलकर के मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वो निकल करके आ जाएगा हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अब ऑडिटर की एंट्री हो गई भाई, और ऑडिटर ने जबरदस्त वाले ऑडिट प्रोसीजर लगाए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी 100% एश्योरेंस तो हम नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं मिसस्टेटमेंट ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी रह गया, उसको हम कहते हैं डिटेक्शन रिस्क। और तीनों रिस्क का मल्टीप्लाई जब हो गया तो निकल करके आ गए हमारी ऑडिट रिस्क की, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो कंक्लूजन में अगर छोटी सी बात करूं आपसे, ROMMS और DR का रिलेशन हमने बताया, जितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा उतना ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा होंगे। तो जो हमारी डिडक्शन रिस्क थी, ढूंढने वाली जो रिस्क थी कि यार कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद भी, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। ऑन द अदर हैंड ROMMS बहुत कम है तो हम भी ईजी हो गए, यार ठीक है यार रिस्क कम है तो अप्लाई भी प्रोसीजर कम करो, तो वो जो ढूंढने वाली हमारी रिस्क थी डिटेक्शन वाली, वो बट ऑब्वियस बहुत हाई हो जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अल्टीमेटली जीरो हम नहीं कर सकते, एक्सेप्टेबल लो लेवल पर आएगी। और एक छोटा सा पॉइंट आता है, ऑडिट रिस्क में क्या चीजें कवर नहीं है। एक तो बिजनेस रिस्क जो है वो ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है, ऑडिटर ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देता है। जैसे लिटिगेशन से अगर कोई लॉस है या एडवर्स पब्लिसिटी का कोई मैटर हो रहा है कहीं पे रेपुटेशन से रिलेटेड, वो ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है। यहाँ हम मेनली क्या कवर कर रहे हैं, जो इनहेरेंट रिस्क हमारी जो है और जो कंट्रोल रिस्क है, खाली P&L के आइटम, डिस्क्लोजर के आइटम, या फिर हो सकते हैं बैलेंस शीट के आइटम, ध्यान रखिएगा। एक और चीज हो सकती है, दो तरह की ओपिनियन होती है किसी भी एंटिटी में, मिसस्टेटमेंट होते हुए भी हमने अगर ये रिपोर्ट दे दिया देयर इज नो मिसस्टेटमेंट, तो ये चीज खतरनाक हो जाएगी और यही हमारी ऑडिट रिस्क है। लेकिन बाय चांस ऐसा हो कि जहां पे मटेरियली मिसस्टेटेड हमने रिपोर्ट दे दी लेकिन एक्चुअल के अंदर सब कुछ सही था, इसको हम ऑडिट रिस्क में कवर नहीं करते। ये कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। वो कहते हैं टेंशन ऑडिटर के लिए क्या है कि भैया मिसस्टेटमेंट था, तुमने प्रोसीजर लगाया फिर भी तुमने क्लीन रिपोर्ट दे दिया, दिस इज कॉल्ड ऑडिट रिस्क, ठीक है। लेकिन बढ़िया चीज क्या, सब कुछ एकदम बढ़िया होते हुए भी आपने लिख दिया मिसस्टेटमेंट है, तो ये ठीक है, ओके, कोई ज्यादा इतना ये भी रॉन्ग ओपिनियन तो है, लेकिन ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है। रिस्क तब है भाई, आज जैसे अपन कहते हैं ना,
किसी घर के अंदर कोई चोर आता है, चोर नहीं आया फिर भी अपन चिल्ला दिए चोर है चोर है चोर है, पता लगा कि चोर तो था ही नहीं, तो उतनी ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, गलत तो किया उसने लेकिन टेंशन नहीं है। लेकिन यही अगर सोचो कि चोर आ गया फिर भी हमने कह दिया कि चोर नहीं आया साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई चोर है ही नहीं, ये ज्यादा रिस्की हो जाएगा। तो बस कंपैरिजन जब आप करोगे तो ये जो है वो ज्यादा रिस्की पार्ट है, ये इसके अंदर ऑडिट रिस्क में कवर होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फटाफट से आते हैं प्रोफेशनल जजमेंट क्या है भाई। असेसमेंट जो रिस्क का करना है वो प्रोफेशनल जजमेंट का पार्ट है, और प्रोफेशनल जजमेंट किधर से आता है, ऑडिटर का ट्रेनिंग नॉलेज और उसके एक्सपीरियंस से निकल करके आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत फटाफट से। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे असेस करेंगे रिस्क का, तो हमारा ऐसे काम करता है 315, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। इसमें करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहला हम ROMMS जो ऊपर अपन ने पढ़ा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला हमने देख लिया, ठीक है। बट ऑब्वियस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन दोनों लेवल पे, इसलिए दोनों लेवल्स का मतलब क्या है, बस आगे वाले पॉइंट में आ ही रहा है, अभी हम समझेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, तो हम ऐसे के नाम से पता लग रहा है कि हम एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके एनवायरमेंट को और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे, ठीक है, और उसी के बेसिस पे तैयार होंगे हमारे रेस्पॉन्सेज, ठीक है। जो ऑडिटर अपने रेस्पॉन्सेज देने वाला है, रेस्पॉन्सेज का मतलब आप ये समझ लो कि ऑडिटर अपनी जो ओपिनियन देने वाला है, ये जो ऊपर वाली चीजें आपने की हैं कि आपने ROMMS को आइडेंटिफाई और एसेस किया, उसके लिए आपने अंडरस्टैंड किया एंटिटी को, इससे क्या होगा कि जो आप डिजाइन और इंप्लीमेंट करोगे अपना रेस्पॉन्स अपना ओपिनियन अपना कंक्लूजन, ठीक है, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, उसका ये बेस हो जाएगा एसेस ROMMS के बेस पे। तो रेस्पॉन्स का मतलब हमारा ओपिनियन हमारा कंक्लूजन, ये उसके लिए एक बेसिस अपने को प्रोवाइड करेगा, और दिस विल हेल्प द ऑडिटर टू रिड्यूस द ROMMS टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। अच्छा आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ही हमने ROMMS को कैलकुलेट कर लिया, फिर हमने एंटिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर हमने इंटरनल कंट्रोल देख लिया, अब हमारा क्या रिएक्शन होगा, रेस्पॉन्स का मतलब हम क्या करेंगे, हमको लग रहा है बहुत सब कुछ गड़बड़ है तो हम ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाएं, सब कुछ ठीक है तो ऑडिट प्रोसीजर कम लगाएं, दिस इज कॉल्ड आर रेस्पॉन्सेज। हमारे रेस्पॉन्स क्या होंगे, हमारा रिएक्शन क्या होगा, वो सब हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बराबर। तो उसका ये बेस प्रोवाइड कर देगा हमको, ताकि हम एक्सेप्टेबल लो लेवल के ऊपर लेकर के आ जाएं ROMMS को या ऑडिट रिस्क को, बराबर, सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, तो हमने कहा कि ये जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जो आप असेसमेंट करेंगे दो लेवल पे होगा, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एक होता है असर्शन लेवल, समझिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब होता है एज अ होल, मोर परवेसिव है, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, किसी पर्टिकुलर आइटम को नहीं। अच्छा अब जो असर्शन लेवल है उसका मतलब बैलेंस शीट P&L या डिस्क्लोजर के किसी एक पर्टिकुलर आइटम जो है उसकी रिस्क आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसको हम लोग बोलते हैं असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब ओवरऑल सारा, इसमें कई सारे असर्शन इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिया इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरमेंट। अब ये इनइफेक्टिव कंट्रोल एनवायरमेंट तो सारे ट्रांजेक्शन को इफेक्ट कर सकता है, लेक ऑफ सफिशियंट कैपिटल टू कंटिन्यू ऑपरेशन, पैसा ही नहीं हमारे पास में, ये पूरे एंटिटी को इफेक्ट करेगा, मार्केट का जो प्रेशर डाल रहा है, मार्केट प्रेशर कर रहा है, अभी आगे भी अपन इसको पढ़ेंगे, तो उस हिसाब से हम अनएथिकल एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं होके ओवरऑल आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे कनेक्टेड है, जबकि असर्शंस लेवल समझना, इट रिलेट टू पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेज एंड डिस्क्लोजर्स, इट असिस्ट इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। जैसे हम ये निकालेंगे फिर हमको पता लगेगा यार फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कौन से लगाने हैं, ताकि हमको सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिल जाए। तो डिफरेंस समझ में आया आप लोग को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मतलब एज ए होल, तो ये जितनी चीजें लिखी हैं यार कंट्रोल एनवायरमेंट सही नहीं था या कैपिटल हमारे पास में नहीं थी मार्केट प्रेशर था, ये पूरे एंटिटी को इफेक्ट कर रहा है पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ये किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़िया बच्चे लोगों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर दो, बहुत फटाफट मेरे साथ में देखना, इंक्वायरी मैनेजमेंट और अदर से पहले तो इंक्वायरी करेंगे भाई, फिर हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे और ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन करेंगे। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम रिस्क को असेस कर पाए, भाई रिस्क का पता तो लगाना पड़ेगा ना, कौन सी रिस्क है तभी तो असेस होगी। उसके लिए पहला काम मैनेजमेंट और अदर से इंक्वायरी करो, देखो बहुत शानदार पॉइंट है, बहुत सारे लोगों से इंक्वायरी करनी पड़ेगी, फटाफट देखो सबसे पहले हम पहुंचेंगे भाई इंटरनल ऑडिटर, तुमसे हम क्या जानना चाह रहे हैं, उससे हम जानेंगे इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर क्या है, एनडीडी के इंटरनल कंट्रोल का डिजाइन और इफेक्टिवनेस क्या है, ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
और मैनेजमेंट का रेस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरीली हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट आप लोगों को सेटिस्फैक्टरी रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सब हम बात जानेंगे इंटरनल ऑडिटर से कि बता भाई इंटरनली कितना स्ट्रॉन्ग है, उस बेस पे हम अपना ऑडिट करें। फिर हम पकड़ेंगे एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉइज को बोलेंगे कि भाई तुम्हारे यहाँ पे जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई हो रही हैं उनका वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है और उनका एप्लीकेशन कंसिस्टेंसी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बारे में हमको डिटेल दे दो। फिर हम पहुंच जाएंगे कंपनी के लीगल एडवाइजर के पास, जो इन हाउस लीगल एडवाइजर है ना, हर कंपनी में आप जानते हो कि कई बार इन हाउस का मतलब हो गया इंटरनल उनका जो कोई एडवोकेट या लीगल एडवाइजर हो गया। हम वहां पहुंच गए, हमने उसको जाके कहा कि भाई साहब कंपनी के ऊपर एंटिटी के ऊपर क्या लिटिगेशन चल रहे हैं वो बताओ, कितना लॉ का ये लोग कंप्लायंस कर रहे हैं उसकी डिटेल दे दो, क्या कोई फ्रॉड वगैरह चल रहा है क्या, सस्पेक्टेड फ्रॉड का कोई केस है क्या, उसका नॉलेज ले लेंगे। उसके अलावा क्या इन्होंने कोई वारंटी दे रखी है क्या, आप जानते हो प्रोविजंस हम बनाते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज वाले, तो वैसा कुछ है क्या, कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है वो बता दो, और अगर कोई जॉइंट वेंचर वगैरह के अरेंजमेंट्स हैं तो ये सब हमारा लीगल जो काउंसिल है, लीगल पर्सन जो है एडवोकेट वगैरह एडवाइजर वगैरह वो बता देगा। फिर हम मार्केटिंग वाले के पास पहुंचेंगे, देखो सब जगह पर रिस्क इन्वॉल्व है समझिएगा, अब मार्केटिंग वाला हमको बता देगा मार्केट की स्ट्रेटजीज और सेल्स का ट्रेंड क्या है, इससे हमारा रेशियो एनालिसिस वगैरह अपन कैलकुलेट करते ना वो बहुत काम आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट विद इट्स कस्टमर, कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके के होते हैं, सप्लाई कितना है, डिमांड कितना है, सब मार्केटिंग वाला बता देगा। फिर कई सारी एंटिटीज में रिस्क मैनेजमेंट पर्सन भी होता है भाई, ऑपरेशनल और रेगुलेटरी रिस्क कैलकुलेट करता है, ऑपरेशनल रिस्क है कभी एम्प्लॉय नहीं है, कभी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ सकती है हमको, या मैन पावर हमारे पास में नहीं था, या हमने कुछ तरीके से रॉ मटेरियल खराब वाला यूज कर लिया, जो भी रिस्क हो सकती है वो सभी हमको बता देगा। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले बंदे के पास भी जाएंगे, आईटी वाले के पास, आईटी वाला हमको बता देगा सिस्टम चेंज, सिस्टम और कंट्रोल फेलियर। सर कई बार इनकी तो सेल्स की एंट्री नहीं होती है, ठीक है, या एम्प्लॉयज जो जॉब पे आते हैं ना तो आप उनको सैलरी दे रहे हो, तो कई बार जब आप वो फिंगरप्रिंट वाले सिस्टम से बायोमेट्रिक तरीके से चेक करते हो, सिस्टम ही फेलियर है इनका, तो इससे हमको आइडिया लग जाएगा बॉस कहीं फर्जी सैलरी और सत्यम वाले की तरह तो नहीं दे रहे हैं ये, तो ऐसी ऐसी चीजें पता लगेंगी, और कोई भी रिस्क अगर है तो पता लगेगी। तो इन सब लोगों से हम गैदर कर लेंगे बढ़िया बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर हम ऑडिट प्रोसीजर अपने लगाएंगे, ठीक है। तो फटाफट देखना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का पहला पार्ट हमने इंक्वायरी कर लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने उनसे निकाल ली, फिर हमने क्या लगाया अपने एनालिटिकल प्रोसीजर, ये आप जानते हो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों पे लगता है ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और पर एम्प्लॉई का सैलरी, तो दोनों हो गया फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। इट मे हेल्प आइडेंटिफाई एन एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल ट्रांजेक्शन और इवेंट एंड अमाउंट रेशियो एंड ट्रेंड्स, अनयूजुअल चीज है ना, आपको मैंने कहा था इलेक्ट्रिसिटी का बिल इस साल का हमने पिछले साल से कंपेयर किया तो पता लगा भाई साहब दो गुना तीन गुना इस बार आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हुई है, जानबूझ के तो ज्यादा नहीं दिखा रहे, या पता लग रहा है पिछली बार बहुत ज्यादा था इस बार बहुत कम आया है, तो क्या चक्कर है, अनयूजुअल कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, ये सब हमको यहां से पता लग जाएंगे जब हम रेशियो ट्रेंड्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये हमको आरओएमएमएस को चेक करने में मदद कर ही रहा है, हम देख ही रहे हैं। उसके अलावा फॉर इवेल्यूटिंग द रिजल्ट ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम अदर प्रोसीजर ऑल्सो कंसिडर्ड, ये भी सही है, जो एनालिटिकल प्रोसीजर लगा करके हमने जो जिस तरह के भी रिजल्ट्स निकाले, ठीक है, उसको हम अदर जो प्रोसीजर से जो रिजल्ट आया उससे कंपेयर करके देख लेंगे और उससे हम किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं, ओपिनियन के ऊपर पहुंच सकते हैं, ये सब पॉइंट अपने को इसमें ध्यान में रखने हैं। तीसरा काम अपने को करना है ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन, इसमें क्या करना है, किन चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना है, एनडीडी में काम कैसे हो रहा है, उनके बिजनेस प्लान स्ट्रेटजीज क्या है, रिकॉर्ड या इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स, अच्छी एंटिटीज अपने कुछ रूल्स बना करके अपने एम्प्लॉयज को दे देती है, दीज आर कॉल्ड मैनुअल, तो वो चेक कर लेंगे। क्वार्टरली मैनेजमेंट की रिपोर्ट क्या है वो चेक करेंगे, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड मिनट्स वगैरह हम चेक करेंगे, इससे हमको कई सारी इंफॉर्मेशन पता लगेगी जिससे हम रिस्क को एनालिसिस कर सकते हैं। एंटिटी का प्रमाइसिस एंड प्लांट फैसिलिटीज, फिजिकल वेरिफिकेशन, प्लांट किधर है, प्रमाइसिस किधर है, प्लांट आपका किधर काम कर रहा है, ये सब चीजें आप सब जानते हो, ये कवर है ऑब्जर्वेशन में देखना या इंस्पेक्ट करना, ये सब। तो तीन बातें रिस्क असेसमेंट में कवर कर लोगे आप लोग, मैनेजमेंट या अदर से इंक्वायरी कर लिया, एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दिया, एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन हमने कर लिया, थ्री पॉइंट्स यहाँ पे खत्म कर देंगे। चौथा पॉइंट एक और थोड़ा अलग, मतलब उसका पार्ट नहीं है ये, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज ऑडिट एविडेंसेस। अब जो रिस्क असेसमेंट लगाया उससे हमारे पास में इंफॉर्मेशन आई, ये इंफॉर्मेशन काम करेगी एज एविडेंस। इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर मे बी यूज बाय द ऑडिटर एज ऑडिट एविडेंस। हमारे पास एविडेंसेस ही आए ना, इतनी सारी चीजें हमने चेक की हैं,
अच्छा, ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस इज अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंसेज और डिस्क्लोजर एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। इसका भी एविडेंस हमारे पास में आ गया। और अब ऑडिटर ये चूज कर सकता है टू परफॉर्म सब्सटेंटिव प्रोसीजर, अपन जानते हैं इसको, या टेस्ट ऑफ कंट्रोल कॉन्करेंटली विद रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव वर्क। मतलब यहाँ पे ऑडिटर ये डिसाइड कर रहा है कि बस अपने को एविडेंसेस चाहिए, तो जो भी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से हमारे पास में इंफॉर्मेशन, हमारे पास में जो इकट्ठी हुई है, वो एज एविडेंस काम आएगी। ठीक है, फिर हम लोग क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस जो भी हैं, जो भी अकाउंट बैलेंसेज है, डिस्क्लोजर है, इफेक्टिवनेस है, उससे रिलेटेड भी हमने एविडेंसेज ले लिए। अब हम ये भी कर सकते हैं कि या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाला जो हमारा पॉइंट था और सब्सटेंटिव था, टेस्ट ऑफ डिटेल वगैरह, इनको कंबाइंडली भी यूज कर सकते हैं ताकि ढंग से हम रिस्क असेसमेंट कर पाए, या अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है, मेन पॉइंट्स इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब चैप्टर का एक जबरदस्त पॉइंट आता है बच्चे लोगों को, मोर्टेलिटी हम डिसाइड करते हैं, आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, ऐसे 320 काम करेगा। क्या कहता है ये, मिस स्टेटमेंट आर कंसीडर्ड मटीरियल। मिस स्टेटमेंट अगर कोई भी है तो हम उसको इंपॉर्टेंट या मटीरियल कब मानेंगे, नंबर वन इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट हो सकता है वो, और इंडिविजुअली या फिर एग्रीगेट वो इन्फ्लुएंस कर रहा है इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर। वो चीज मटीरियल है जो हमारे यूजर के फाइनेंशियल डिसीजन को, इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करे ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेस पे हमारा जो यूजर डिसीजन ले रहा है उसको जो चीज इफेक्ट करे, इन्फ्लुएंस करे, वो चीज हमारे लिए होगी मटीरियल, वो आइटम हमारे लिए मटीरियल होगा। ठीक है, अब मटीरियल का रोल बहुत जबरदस्त है, आप लोग जानते हो। पहली चीज है मटीरियल इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मटीरियलिटी कंसेप्ट को यूज में ले जब वो कर रहा है ऑडिट का प्लानिंग, शुरू में जब प्लानिंग कर रहा है ना तभी। अब ऑडिटर जजमेंट करेगा साइज और मिस स्टेटमेंट दैट विल बी मटीरियल। मैंने आपको पहले भी कहा था यार, 1,00,000 इस एंटिटी के लिए मटीरियल हो सकता है, दूसरे के लिए नहीं हो, 10,000 इसमें मटीरियल है, वो ऑडिटर डिसाइड करेगा। और ऑडिटर का ये जजमेंट किस बेसिस पे आएगा, नंबर वन एंटी ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बराबर समझ रहे हैं, नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कितना है उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा मटीरियल का रेशियो अमाउंट जो है वो क्या रहने वाला है, लिमिट क्या रहने वाली है। सेकेंड नंबर, जो हमने ROMMS डिसाइड किया था ऊपर, रिस्क असेसमेंट जो लगाया था अब तक, उस पर डिपेंड करेगा। तीसरा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे अपन कितना टाइम देना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का नेचर टाइम एंड एक्सटेंट कितना है, जो आपने आइडेंटिफाई और एसेस किया वो कितना है, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर पे आगे हम कितना नेचर टाइम और एक्सटेंट देने वाले हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मटेरियल का लेवल क्या होगा। फैक्टर्स क्या हैं ये आप लोग जानते हैं, फैक्टर्स क्या रहेंगे मटेरियल निकालने के, कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इंपैक्ट आ रहा है या बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, कंपैरिजन हम कर लेंगे कई बार कोरस्पॉन्डिंग फिगर विद द प्रीवियस ईयर, तो मटेरियल हो जाएगा अपने आप ही कि भाई अभी करंट ईयर को प्रीवियस से कंपेयर करके देख लो। और कई बार स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है डिस्क्लोजर की, आपको याद हो तो मैंने कहा था 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा अपने को मैनेजर रेमुनरेशन पे नहीं करना, इससे थोड़ा भी ऊपर हुआ तो वो चीज अपने आप में मटेरियल हो जाएगी। तो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है, तो अपने आप मटेरियल हो गया। प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया और पता लगा यार बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो वो चीज अपने आप से मटेरियल हो गई। ठीक है, बाकी उस आइटम का बैलेंस शीट या पेनल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है उसके हिसाब से डिसाइड होगा हमेशा कौन सी चीज मटेरियल है। ठीक है, अब मटेरियलिटी डिसाइड करना बेसिकली प्रोफेशनल जजमेंट का पार्ट है भाई, सिंपल है। मटेरियलिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर, ये ऊपर अपन ने पढ़ा था कि यूजर क्या चीज को इंपॉर्टेंट मानता है डिसीजन लेने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑडिटर भी मान के चलेगा कि भाई हमारा जो यूजर है उसको हमारे बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बहुत अच्छे से नॉलेज है। सेकंड नंबर, वो लेवल ऑफ मटेरियलिटी समझ पाएगा। तीसरा नंबर, वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा अनसर्टेनिटीज को कि भाई हम जब बिजनेस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों के हम एस्टिमेट लगाते हैं, फ्यूचर के जजमेंट्स कुछ पहले से सोच करके उसे आपसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो हमारा यूजर समझेगा और मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन, और वो जो डिसीजन लेगा वो बहुत क्या होगा, रीजनेबल नेचर का होगा। तो ये ऑडिटर मान के चल रहा है यूजर के बारे में, ये यूजर के बारे में हमारा ओपिनियन है। तो अल्टीमेटली मटेरियलिटी का मतलब ही क्या था, अपन ने जब स्टार्टिंग इसको मटेरियलिटी को पढ़ा तो हमने कहा कि भाई मटीरियल वो चीजें हैं जो हमारे यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करें। तो हमारे यूजर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि भाई उसको बिजनेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पता है, वो लेवल्स ऑफ मटेरियलिटी समझता है, ठीक है, एस्टिमेट्स के बारे में जानता है कि हर चीजें एग्जैक्ट नहीं होती, एस्टिमेट के बेस पे होती है, और उसके हिसाब से रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन वो ले लेगा। ठीक है, अब आप सब जानते हो मटेरियल लेवल के नीचे हम एक और लेवल डिसाइड करते हैं बच्चे लोगों,
कई बार ऐसा हुआ कि हमने मटेरिटी का एक लेवल डिसाइड कर दिया, हमने सोचा कि अगर 1 लाख रुपए और इससे ऊपर के फ्रॉड गए तभी हम चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, या 1 लाख के इससे ऊपर के ट्रांजेक्शन है वही चेक होंगे। क्या पता मैनेजमेंट या जो एम्प्लॉयज मिले हुए हैं उन्होंने इस अमाउंट से कम फ्रॉड करना शुरू किया और वो एग्रीगेटली मिला करके बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो हम एक और काम करते हैं, हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट और अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मटेरिटी लेवल। जो आपका 1 लाख का अगर मटेरिटी लेवल है तो हमने 70,000 का एक और डिसाइड कर लिया उससे पहले का, है ना, जैसे आप लोग करते हो कॉस्टिंग के अंदर एक रीऑर्डर लेवल और रिस्क ऑर्डर डिसाइड करते हो, वहां तक गुड्स पहुंचे तो वापस ऑर्डर कर देना है, तो वैसे ही कुछ। ठीक है, इट लोअर द रिस्क दैट ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई मिस स्टेटमेंट, जो एड होकर के ज्यादा होकर के मिस स्टेटमेंट क्रिएट कर देंगे, कहीं ऐसा नहीं हो गया हम उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो रिस्क कम हो जाएगी, क्योंकि अब हम सिर्फ 1 लाख से ऊपर वालों को नहीं देखेंगे, 70,000 से और 1 लाख के बीच में भी अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो हम उसको चेक कर लेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और ये हम पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए भी रख सकते हैं, परचेस के लिए अलग लिमिट बनाई, सेल के लिए अलग बनाई, कैश के लिए अलग बना ली हमने, डेटर के लिए अलग बना ली, डिस्क्लोजर में भी ऐसे ही हो सकता है, या ओवरऑल एक लिमिट भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ठीक है, अब हमने कहा ये कब करना चाहिए, व्हेन एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसी वक्त में अपने को मटेरियलिटी जो है वो डिसाइड कर लेनी चाहिए। ठीक है, और वही हो गया क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए आप अलग अलग भी डिसाइड कर सकते हो, स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ही, प्लानिंग करते वक्त ही ये हमको मटेरियलिटी डिसाइड कर लेनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे बेंचमार्क भी यूज होगा, आप लोग जानते हो करना ही पड़ेगा, जो 1 लाख भी मैंने बोला था एक तरह से एक बेंचमार्क ही हो गया ना, तो परसेंटेज इज ऑफन यूज अप्लाई टू अ चूजन बेंचमार्क एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, कहीं ना कहीं एक परसेंटेज हमको लेना पड़ेगा, कैसे होता है अभी बात करेंगे अपन इसके ऊपर भी। फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, अब बेंचमार्क में क्या क्या आ सकता है, बहुत सारी चीजें, ऐसी चीजें जिसपे यूजर का अटेंशन हो, है ना। अब देखो पहली बात तो बेंचमार्क में एसेट लाइबिलिटी इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस सब आता है, मेन वो आइटम जिसपे अटेंशन ऑफ यूजर हो, जैसे कुछ यूजर प्रॉफिट को फोकस करेंगे, कुछ हमारी नेट एसेट को फोकस कर सकते हैं, तो जैसा यूजर चाहे वैसा ही हम एक बेंचमार्क जो है वो लेकर के चलेंगे। बच्चों जो मटेरियल लेवल हम डिसाइड कर रहे हैं 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, वो आएगा कहाँ से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेंचमार्क डिसाइड करेंगे, वो कहाँ से लेंगे कि हमने प्रॉफिट से ले लिया, रेवेन्यू से ले लिया। अच्छा एनडीडी अगर इक्विटी बेस हमारी है तो हम रेवेन्यू को बेंचमार्क लेके चलेंगे, उसी के बेस पे परसेंटेज डिसाइड करेंगे। अगर डेब्ट बेस एनडीडी है तो हम नेट एसेट जो है उसको अपना बेस लेकर के चलेंगे। ठीक है, बाई चांस हमारा बेंचमार्क ऐसा है जो वोलेटाइल नेचर का है, बार बार बदलता रहता है, जैसे प्रॉफिट्स वगैरह हो गए, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको लग रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो बहुत वोलेटाइल है, क्योंकि हमारा बिजनेस ही ऐसा है बार बार चेंज होता रहता है, तो इसको छोड़ो, ग्रॉस प्रॉफिट को या टोटल रेवेन्यू को आपको बेंचमार्क लेना चाहिए। भाई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है, तुम्हारा नेट प्रॉफिट है, वो बार बार बहुत बदल रहा है, क्योंकि कंटिन्यू ऑपरेशंस है तो खर्चे बढ़ते हैं, कम होते हैं, चेंज होता रहता है, तो बढ़िया है कि जीपी में तो परचेज सेल चीजें काफी सारी चीजें फिक्स है, तो जीपी को ले लो या टोटल रेवेन्यू को बेंचमार्क ले सकते हैं, अपने को ध्यान रखना है। तो अभी भी कई लोगों को लगेगा सर बेंचमार्क का यूज क्या है, जैसा मैंने कहा कि हम एक परसेंटेज अप्लाई करेंगे, तो जैसे उसमें मैंने नेट एसेट या प्रॉफिट ले लिया, भाई 5 करोड़ का प्रॉफिट है तो इसका 10% ये मेरा बेंचमार्क सेट होगा, इससे ऊपर के अगर फ्रॉड्स है तो हम उसको चेक करेंगे, उसके नीचे को छोड़ देंगे, इसी को हम कहते हैं बेंचमार्क। जैसे आपके सीए के एग्जाम में बेंचमार्क है पर सब्जेक्ट 40 नंबर चाहिए, लेकिन ओवरऑल बेंचमार्क 50 नंबर हमको कम से कम चाहिए, वैसा। ठीक है, अब चूजर बेंचमार्क में इन्होंने बोला क्या क्या चीजें और रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा आप काम में ले सकते हैं, प्रायर पीरियड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अपन देख सकते हैं जब बेंचमार्क चूज कर रहे हैं, बजट या फोरकास्ट जो हमने निकाला करंट ईयर का वगैरह वो भी हम देख सकते हैं, उसके अलावा जो इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं उन सबको भी ध्यान में रख करके हम बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हैं। अब बेंचमार्क का और परसेंटेज का एक रिलेशन अभी जो मैंने आपको कहा था, रिलेशन है परसेंटेज एंड चूजन बेंचमार्क। फॉर एग्जाम्पल अभी अपन बात भी करेंगे, अगर कोई ऐसा परसेंटेज जो मैं प्रॉफिट पर लगाऊं और 1% मैं रेवेन्यू पर लगाऊं, तो आप जानते हो रेवेन्यू बहुत ज्यादा होती है, जैसे 100 करोड़ की रेवेन्यू है, 100 करोड़ पे मैंने 5% लगाया और नेट प्रॉफिट जो है वो तो मेरा 2 करोड़ का ही है, उस पर भी 5% लगाऊंगा, तो बहुत रात दिन का फर्क पड़ जाएगा दोनों के अंदर। तो बेटर क्या है, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, प्रॉफिट वाली, प्रॉफिट कमाती है, तो उसमें हमारा बेंचमार्क प्रॉफिट हो सकता है, तो परसेंटेज लगा दो। परसेंटेज कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री के नॉर्म्स के हिसाब से होते हैं, तो 5% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स चलेगा। लेकिन नॉट प्रॉफिट एंटिटी है और आप प्रॉफिट की जगह पे टोटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू ले रहे हो, तो उस पर 5% लगाना ठीक नहीं होगा, उस पर बेटर है कि 1% ले लिया जाए। ठीक है भाई, यहाँ पे
प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी में आप प्रॉफिट ले रहे हैं जो छोटा होता है, तो परसेंटेज बड़ा ले लो। अगर आपका बेंचमार्क रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तो वो बहुत ज्यादा होगा, तो परसेंटेज को छोटा ले लो। बहुत सिंपल तरीका हो गया। तो अगर आपका बेंचमार्क छोटा छोटा अमाउंट का है तो परसेंटेज बड़ा लेना चाहिए। अगर आपका बेंचमार्क खुद ही एक बल्क अमाउंट है, जैसे रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस हो गया, तो परसेंटेज कम लेने चाहिए, ये एक ताकि मैच कर जाए। तो ये कुछ सिंपल से तरीके हैं जो हम लोग काम में ले लेते हैं। चलिए फिर हमारे पास में आता है मल्टी लेवल और लेवल फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। मैंने आपको पहले ही कहा था आप अलग अलग चीजें डिसाइड कर सकते हैं। सम टाइम विच आर मटीरियल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लेस साइज। कई बार लेस अमाउंट भी है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो चीज मटीरियल हो सकती है अगर लॉ रेगुलेशन कुछ बोल दे। बच्चों समझना, लॉ ने कह दिया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है या रेमुनरेशन ऑफ मैनेजमेंट मटीरियल है तो है, फिर भले ही वो एक रुपया दो रुपए का क्यों ना हो, ये अपने को ध्यान रखना है मटीरियल है। इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट जो भी होती है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो कॉस्ट होता है फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए, R&D उनका, वो अपने आप में मटेरियल ही माना जाता है। वहाँ फ्रॉड के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो ज्यादा देखना पड़ेगा। वहां आपका मटेरियल लेवल ही उस तरह का होना चाहिए कि ज्यादा ट्रांजेक्शन हम चेक कर सके, ध्यान रखना है। उसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि सेपरेटली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कोई लॉ ने बना रखी है, जैसे कोई नया बिजनेस आपने एक्वायर किया है, तो नया बिजनेस एक्वायर करना सत्यम वाले में आप देखो उसने यही बोला था कि मैंने नया बिजनेस एक्वायर किया और वहां फ्रॉड कर लिया, तो ये चीजें अपने आप से मटेरियल हो जाएंगे। तो बच्चों मैंने पहले भी कहा था, जैसे डायरेक्टर को सिटिंग फीस अपन 1,00,000 रुपए देते हैं, आप 1,00,000 से 1 रुपया भी एक्स्ट्रा दे दिया तो वो मटेरियल है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज। जहां लॉ रेगुलेशन कहता है या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कहती है या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अगर कहती है, तो वो चीज अपने आप में मटेरियल हो जाएगी, अपने को ध्यान रखना है। चलिए क्या मटेरियल लेवल में हमको चेंजेस करने चाहिए, क्या रिवाइज करने चाहिए, क्या अरे करने चाहिए भाई, अगर सरकम चांसेस में चेंज हो गया, एनडीडी का कोई एक पार्ट इन्होंने बेच दिया या ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में चेंज हुआ तो चेंज करोगे। फिर अगर रिजल्ट अलग अलग दिख रहे हैं, जो एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट हमने जिस बेस पे बनाया, मतलब हमने तो एंटीसिपेटेड के बेस पे बनाया था और जो एक्चुअल है उनमें डिफरेंसेस है, तो लेवल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द ऑडिटर कंक्लूड दैट अ लोअर मटेरियल देन इंडिविजुअली डिटरमाइन इज एप्रोप्रिएट। अगर उसको लगता है कि भाई इनिशियली डिटरमाइन इज एप्रोप्रिएट, ओके, इनिशियल लेवल के ऊपर अगर उसको लगता है कि लोअर लेवल ही रखा जाए ताकि ज्यादा आइटम इसमें कवर हो जाए और अपन चेक कर सके, तो आप ऐसा इनिशियल लेवल पर डिसाइड करके कर सकते हैं। बाद में चेंजेस जो करना है वो तो करेंगे, या इनिशियल में आपने बहुत कम रखा था अब आपको लगता है बढ़ाना है, तो सिचुएशन चेंज के हिसाब से अपन ऐसा कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास में अब देखिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने खास करके बिजनेस को अंडरस्टैंड करने तक के पॉइंट्स जो वो कवर किए हुए हैं, तो बहुत इजीली हो जाएंगे फटाफट से। डॉक्यूमेंटिंग क्या करनी है मटेरियल लेवल की, तो मटेरियल से रिलेटेड सारे पॉइंट आपके एक साथ आ जाएंगे जोटेड डाउन होकर के। तो मटेरियल फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, उसको बकायदा डॉक्यूमेंट करो। फिर अगर आपने अलग अलग क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन या बैलेंसेज या डिस्क्लोजर के लिए किया तो उसको भी लिखो। परफॉर्मेंस मटेरियल आपने क्या डिसाइड किया और कोई भी इसमें रिविजन अगर किसी तरह का किया, इन सबको रिटर्न में लिख लेना चाहिए, दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटिंग। तो अच्छे लोगों, ये पूरा एक कंसेप्ट हो गया आपका मटेरियलिटी का, साथ साथ में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का, बराबर कर सकते हैं बहुत आराम से। अब आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। भाई अंडरस्टैंड करना एंटिटी को और उसके एनवायरमेंट को, तो इसमें क्या क्या चीजें काम करेगी फटाफट मेरे साथ देखो। रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर में मतलब अपने को क्या क्या करना है, एंटिटी को और उसके एनवायरमेंट को समझना पड़ेगा, तभी अपन ROMMS कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री को समझो, रेगुलेशंस को समझो और अदर एक्सटर्नल फैक्टर, तीन पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। इंडस्ट्री में क्या समझना है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट हमारा कैसा है, ठीक है, सप्लायर और कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं है मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप होगी, EV आ गया और हम अभी भी पेट्रोल डीजल पे चल रहे हैं और हम मार्केट में पिट गए, तो इंडस्ट्री फैक्टर्स हमको देखना पड़ेगा। रेगुलेटरी फैक्टर्स हमारे ऊपर FRF कौन सा लगता है, कोई ऐसी इंडस्ट्री है क्या, जैसे ऊपर अपन ने पढ़ा कि भाई फार्मास्यूटिकल है तो R&D है, मटेरियल होता है, तो क्या कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस है क्या। लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है भाई, कौन सी गवर्नमेंट आ रही है जो स्टार्टअप को प्रमोट कर देगी, कौन सी हटा देगी, वो सब देखना पड़ेगा। सुपरवाइजरी एक्टिविटीज किस तरह की है, डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल कैसा है, टैक्सेशन क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ये फैक्टर भी देखने पड़ेंगे जब आप एंटिटी के एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। अदर एक्सटर्नल फैक्टर कौन से देखूं मैं, इकोनॉमिक डिसीजंस हमारे किस तरह के हैं वो देखने पड़ेंगे, उसका इम्पैक्ट आएगा। किस तरह के इंटरेस्ट रेट्स मार्केट में चल रही हैं लोन वगैरह के ऊपर, ठीक है, फाइनेंस कितना हमको अवेलेबल हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट्स क्या चल रही हैं, ये सब अदर फैक्टर भी हम ध्यान में रखेंगे जब हम उस एंटिटी को करेंगे अंडरस्टैंड, ठीक है।
फिर आता है नेचर ऑफ एंटिटी। अब नेचर में क्या क्या, ये तो अपने बाहर की चीजें देख लिया, एंटिटी जिसका ऑडिट कर रहे हो उसके नेचर में क्या करना है, उसके ऑपरेशंस काम क्या करती है, उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ से आता है, और कोई फाइनेंस वगैरह ले रखा है तो किस तरह का है, ये सब तो उसके नेचर में इंक्लूड हो गया। अब ये अंडरस्टैंड क्यों करें भाई, ऑडिटर को फायदा क्या, देखो सबसे पहला बच्चे लोगों कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा तो अंडरस्टैंड कर लेंगे, सब्सिडरी आए बहुत सारी उसकी, एक लेवल की और सब्सिडरी आए तो कॉम्प्लेक्स लेवल है तो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सेकेंड नंबर ओनरशिप के बारे में जब हमको पता लगेगा तो हम देख पाएंगे कि ओनर का अलग पार्टीज के साथ रिलेशन, खास करके रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वगैरह को बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमको ओनरशिप पता लगेगी कि यार मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, ये अंबानी, आनंद अंबानी और ये सब एक रिश्तेदार है, ये इनके अंकल है, चाचा है, वाचा है, तो कल को रेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ तो हमको बहुत ईजिली पता लग जाएगा। तो ये बेनिफिट है जब हम नेचर को समझते हैं, ठीक है। अब ऊपर जो अपने पढ़ा कि मैटर टू बी कंसिडर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ एंटिटी, अब जब आप एंटिटी के नेचर को समझ रहे हो तो क्या क्या चीजें समझनी चाहिए। एक तो हमने कहा बिजनेस ऑपरेशंस, तो सर इसमें और पहले वाले में फर्क क्या है, देखो समझो, यहां हमने इंडस्ट्री को समझा, यहां नेचर को समझा, मैटर इंक्लूडेड में ये कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे थे, इन्हीं पॉइंट्स का डिटेल आपको यहां पे दे रखा है। जैसे बिजनेस ऑपरेशन, तो बिजनेस ऑपरेशन में हम ये समझेंगे कि भाई नेचर ऑफ रेवेन्यू रिसोर्सेस, पैसा कहां से आ रहा है, क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं, लोकेशन कहाँ है हमारे प्रोडक्शन की, हमारे कस्टमर्स कौन से मेन और हमारे सप्लायर्स कौन है, ये सब बिजनेस ऑपरेशंस हम पता करेंगे जब एंटिटी को अंडरस्टैंड करना है तो, बराबर से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हमारी क्या है, क्या हम कोई एक्विजिशन को प्लान कर चुके हैं क्या, या कोई रिसेंटली हम एक्विजिशन कर चुके हैं क्या, वो सब देखना पड़ेगा। फाइनेंसिंग, हमारी मेजर सब्सिडरीज कोई है क्या, ठीक है, हमारा डेब्ट स्ट्रक्चर क्या है, डिबेंचर्स वगैरह लोन वोन हमने कितना ले रखा है, वो सारा कुछ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, और रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन हम कब करते हैं, अकाउंट्स के अंदर आप लोग पढ़ते हो, तो ये सब अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर हमको देखना पड़ता है एंटिटी का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन, तो इसमें तो बहुत आसान है, एंटिटी का जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो अप्रोप्रिएट है, साथ में कंसिस्टेंटली है FRF के साथ में, और जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उसमें वही यूज आता है, ये अपने को चीजें देख लेनी चाहिए, सिंपल बात हो गई। चलिए नेक्स्ट पे आगे, बहुत फटाफट हम लोग ले रहे हैं, एंटिटीज ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड बिजनेसेस, ये भी समझना पड़ेगा। अब सबसे पहला एंटिटी जो जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं उसके ओवरऑल प्लान्स क्या हैं भाई, वो देख लो, उनकी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, जिसको मैनेजमेंट अचीव करना चाह रहा है जिन ऑब्जेक्टिव को, उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है। कहीं सत्यम वाले केस की तरह ज्यादा जल्दी दौड़ने की इच्छा तो नहीं हो रही है, फ्रॉड के चांसेस बढ़ेंगे। बिजनेस रिस्क मीन्स फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस जो इफेक्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। लेकिन बच्चों समझिएगा, ऑडिटर का काम बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करना नहीं है, ऊपर बन पड़ चुके थे वो, हमारे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि बिजनेस रिस्क जो है उसका ROMMS से ज्यादा कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता है, पहले अपन ने पढ़ा था। लेकिन फिर भी कई बार हम बिजनेस रिस्क को कंसिडर कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल समझो, जैसे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट, अब इंडस्ट्री डेवलपमेंट में जितना डेवलप हो रहा है हमारे पास में उतने एक्सपर्टाइज लोग है ही नहीं, जैसे जैसे वहां चेंज हो रहा है वैसे एक्सपर्टाइज लोगों की टीम हमारे पास में नहीं है। नया प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में आ गया, इससे हमारी प्रोडक्ट लाइब्रेरी तो बढ़ गई, लेकिन उसके हिसाब से हम कोप अप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वैसा नया प्रोडक्ट हम ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, है ना। बिजनेस का एक्सपांशन हम करने की सोच रहे हैं, कर लिया है, लेकिन हमारी डिमांड हैज नॉट बीन एक्यूरेटली एस्टिमेटेड, हम डिमांड कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो डिमांड ही कैलकुलेट नहीं करेंगे तो भाई सप्लाई कैसे करेंगे, है ना, वो चीज देखना पड़ेगा। अब क्या होगा, द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, समझिएगा यहां हम क्या करने जा रहे हैं। तो सर ये सारे पॉइंट्स अपन कर क्या रहे, बच्चे लोगों ये सारे पॉइंट में हम एक एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो पहले हमने इंडस्ट्री रेगुलेटरी और अदर एक्सटर्नल फैक्टर समझ लिए, एंटिटी के नेचर को समझा और उसके फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूडेड है वो सब हमने समझ लिया, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में समझ लिया, फिर ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी और बिजनेस रिस्क क्या होती है वो हमने देख लिया, फिर आता है द मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उनकी जो है उसको मेजर और रिव्यू कर रहे हैं, इसमें क्या करें, सबसे पहला बच्चे लोगों परफॉर्मेंस मेजर, बढ़िया पॉइंट है समझना, सबसे पहला परफॉर्मेंस मेजर, यानी क्या एंटिटी के ऊपर कोई प्रेशर है क्या मार्केट का बढ़िया काम करने का, ज्यादा प्रॉफिट कमाने का, क्योंकि जब प्रेशर होता है ना, जैसे आप लोगों पे भी अगर एग्जाम का प्रेशर है तो इसको कोई पर्सन दो तरीके से ले सकता है, या तो एकदम डर जाएगा, घबरा जाएगा, सो जाएगा, बिल्कुल पैनिक हो जाएगा, बॉस मुझसे हो ही नहीं रहा है, कोई इसको मोटिवेशन की तरह लेकर के और बढ़िया काम करेगा। सेम यहाँ पे ऐसा है,
इस प्रेशर को दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो बिजनेस की परफॉर्मेंस बढ़ेगी या वो मिस स्टेटमेंट चालू कर देगा कि बॉस नहीं इतना प्रेशर है, मार्केट में बढ़िया काम करना है। जैसे मार्केटिंग वालों के लिए होता है ना, टारगेट दे दिया 100 पीस तुमको बेचने पड़ेंगे इस महीने के एंड तक। अब वो कह यार एथिक्स गई भाड़ में, मैं तो अपने प्रोडक्ट की ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो उसमें है ही नहीं और बेचूंगा, वही चीज यहाँ पे भी हो जाएगी। ऑडिटर क्या अंडरस्टैंड कर पाएगा इससे, वेदर प्रेशर हैव टू अचीव परफॉर्मेंस टारगेट मे रिजल्ट इन मैनेजमेंट एक्शन। भाई टारगेट सेटअप है तो मैनेजमेंट का एक्शन क्या होगा, और अगर मैनेजमेंट का एक्शन इसी तरह का है कि प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो आरओएमएमएस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मैनेजमेंट प्रेशर को किस तरीके से ले रहा है ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स अपन ने लिए कि पता कैसे लगाएंगे, तो रेशियोज हमारे ट्रेंड्स एंड ऑपरेटिंग स्टेटिस्टिक्स वही हो गया ना अपना ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड अभी तक तो आप इतना कमाई नहीं रहे थे, अचानक इतना कैसे कमाई आपकी बढ़ गई, तो ट्रेंड या रेशियोज चेक कर लेंगे। पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस 3-3 महीने का भी कर सकते हो, पिछले साल से कर सकते हो। बजट फोरकास्ट से हम लोग चेक कर लेंगे बराबर, डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंसेस रिपोर्ट और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या कहती है, ये सारे वो हैं जिससे हमको परफॉर्मेंस मेजर हो जाएगी उनकी कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या कोई प्रेशर होके काम कर रहे हैं या सच में चीजें जो है वो ढंग से हो रही हैं। तो ये सब चीजें अपने को यहाँ से पता लग जाएंगी। और आखिरी पॉइंट आता है इस फर्स्ट सेटअप का हमारा, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। अंडरस्टैंडिंग करना एंटिटी को, ये एक बार का प्रोसेस नहीं, लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यू है। गैदर करना इंफॉर्मेशन को, अपडेट करते रहना, एनालिसिस करते रहना, ये थ्रू आउट द ऑडिट चलेगा। और इससे फायदा क्या होगा, बेस मिल जाएगा, किस चीज का बेस, आरओएमएमएस को हम एसेस कर पाएंगे, मटेरियलिटी का पता लगा पाएंगे, ठीक है। अभी पढ़ा मटेरियलिटी वाला पूरा ऐसे अपन ने पढ़ा, फिर देख पाएंगे कि जो अकाउंट जो अभी तक अपन ने चैप्टर पढ़ा उसी का तो समरी है कि भाई फायदा क्या है, बेस क्या है, आरओएमएमएस पता लगा पाएंगे, मटेरियलिटी पता लग जाएगी, कंसिडर कर पाएंगे जो आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है। उसके अलावा स्पेशल ऑडिटर को जो स्पेशल एरियाज जो हैं जहाँ ज़्यादा ध्यान देना है वो पता लग जाएंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर कितने यूज करने हैं पता लग जाएंगे, और साथ में जो ऑडिट एविडेंसेस हमने ऑब्टेन किए वो कितने सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट हैं उनको हम इवेल्यूट कर पाएंगे अगर हम एक एंटिटी को कंटिन्यू बेस के ऊपर अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस चालू रखते हैं। ये सारे पॉइंट्स इसमें अपने को ध्यान में रखना है बराबर। तो ये बहुत 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 फास्ट रिविजन हम लोगों ने ले लिया है ताकि आप लोग इन पॉइंट्स को फटाफट से रिवाइज कर पाएं, याद कर पाएं, और तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा और जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इसके पार्ट नंबर 2 के साथ।